नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राहुल गांधी का संदेश मिलने की बात कहते हुए अखिलेश यादव ने यह तो कह दिया है कि हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। अपने कार्यकर्ताओं से बयानबाजी बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लेकिन इन सब बातों के बीच सियासी गलियारों में यह सवाल काफी अहम है कि अगर ऊपर सब कुछ ठीक भी हो गया हो तो क्या नीचे कार्यकर्ताओं में सब कुछ पहले की तरह दुरुस्त हो पाएगा? क्या पिछले कुछ दिनों से चल रही बयानबाजी से तल्ख हुए रिश्तों में एकजुटता की नरमी आ सकेगी? मध्य प्रदेश में कांग्रेस से सपा का गठबंधन ना हो पाने और यूपी में कांग्रेस के 80 सीटों पर तैयारी वाले बयान की वजह से सपा और कांग्रेस के बीच निचले स्तर पर काफी तल्खी महसूस की जा रही है। बयानबाजी के दौर में कार्यकर्ता ने भी जुबानी तलवारें खींच ली हैं। ऐसे में क्या गठबंधन के साथ ही सब कुछ सही हो पाएगा? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बता दें आपको कि ज्यादातर गठबंधन इसलिए ही फीके रह जाते हैं क्योंकि नेता तो हाथ मिला लेते हैं, लेकिन निचले स्तर पर अपनी अपनी पार्टी के झंडा बरदार कार्यकर्ताओं में एकजुटता नहीं हो पाती है। इस पे क्या कुछ कहना है राजनीतिक विश्लेषक रतन मणिलाल का, सुनते हैं। देखिये, जो दो राजनीतिक दल किसी भी राज्य में लंबे समय से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हों और एक दूसरे के खिलाफ एक गहरी राजनीतिक विरोध की स्थिति जहां बन गई हो, वहां पर उन्हीं दोनों दलों का एक साथ आना एक तात्कालिक सॉल्यूशन तो हो सकता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के लिए ये थोड़ा कठिन होता है कि वो मोहल्लों में, गांव में, कस्बों में, सड़क के किनारे, नुक्कड़ सभा वगैरह में जिनके खिलाफ बोलते आए हैं, अब उनको उन्हीं के साथ खड़े होना है। तो ये तो कार्यकर्ता के लेवल की बात हो गई। चूंकि इस बार के चुनाव में, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी सभी गैर भाजपा विरोधी दलों ने यह तय किया है कि वो मिलकर भाजपा को चुनौती देना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जरूरी हो गया था कि कार्यकर्ताओं में जो इस तरह की एक विरोधाभास की स्थिति थी उसके बावजूद वो एक साथ आने पर विचार करें, और इसकी शुरुआत भी हुई। दिक्कत यह है कि उत्तर प्रदेश में इस समय कांग्रेस और सपा में से दोनों ही सत्ता से काफी दूर हैं और समाजवादी पार्टी को तो 2 टर्म मौका नहीं मिला और कांग्रेस को तो कई दशकों तक मौका नहीं मिला। तो उत्तर प्रदेश में फिलहाल कांग्रेस के लिए स्टेक्स उतने ज्यादा नहीं है जितने सपा के लिए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति सुधारने के बाद ही आगे आने वाले चुनाव में दोनों दल एक तरह से अपनी दावेदारी के साथ मजबूती से चुनाव में उतर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के पास अभी उत्तर प्रदेश में कुछ बहुत ज्यादा खोने पाने को नहीं रहा है, जबकि सपा के सामने अभी भी बड़ा मौका है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर ये संशय तो हमेशा से बना हुआ था कि क्या ये दोनों दल एक साथ एक तरफ खड़े होकर चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि जिस जमीन पर कांग्रेस अपना अधिकार बनाना चाहती है उस जमीन पर सपा ऑलरेडी काबिज है। तो मुझे लगता है कि ये जो भी चीज सामने आई है ये दोनों ही दलों पर जो एक अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने की इच्छा हावी है ये उसका नतीजा है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई और मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी झलक हमें अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। जिस पार्टी के व्यक्ति को टिकट मिलता है उसके साथ जमीनी स्तर पर गठबंधन के दूसरे दल के कार्यकर्ता नहीं जुटते हैं। ऐसे में गठबंधन में जिस 1 और 1 11 के फॉर्मूले की तलाश होती है वह नहीं बन पाता है। इस बयानबाजी एपिसोड के बाद भी सवाल यही है कि अगर यूपी में सपा और कांग्रेस एक होकर आगे बढ़ते हैं तो क्या कांग्रेस के झंडा बरदार सपा का झंडा थाम लेंगे? कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्षों के अलावा पूर्व और वर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर कुछ महीने पहले हुई बैठक में सपा के साथ गठबंधन ना करने की राय जाहिर की थी। हालांकि जब इंडिया गठबंधन की बैठकों में अखिलेश को निमंत्रित किया गया था तो कांग्रेस के कार्यकर्ता इसे आलाकमान की मर्जी मानकर चल रहे थे। हालांकि बयानों से उठी तल्खी अब इतनी आगे बढ़ चली है कि इसे निचले स्तर पर पहले जैसा कर पाना इतना आसान नहीं दिखता। क्या कुछ कहना है सपा प्रभारी मध्य प्रदेश के व्यास जी गोड़, सुनते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश हुआ है बहुत पहले से
तो हम लोग किसी पर टिप्पणी नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किसी पार्टी पर टिप्पणी नहीं करता है, जो टिप्पणी होता है उधर से होता है, बड़े पार्टी बड़े दल वाले करते हैं। मरकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश भी आ गया तो कोई किसी पर वार्ता नहीं करेगा ना ही टिप्पणी करेगा। इसी पर हम लोग के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, भाजपा का हटाना है तो कुछ त्याग करना पड़ेगा। हम लोग अपने आप के त्याग किए हैं, जितने कांग्रेस वाले बोले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में एक भी एक कार्यकर्ता कुछ बोले नहीं। अजय राय बोले हैं, कई लोग बोले हैं, मरिया है पत्रकार महोदय जी, तो आज हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष से वार्ता करने के साथ साथ हैं, तो कौन से व्यवस्था होगा जो हम लोग भाजपा का हटाएं। कांग्रेस पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और उसका कार्यकर्ता अनुशासन का पालन करने वाला कार्यकर्ता है। समाजवादी पार्टी के खिलाफ हम लोगों ने कभी भी कोई ऐसी बयानबाजी नहीं की है जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा कि वो एक साधारण ही कार्यकर्ता है और कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे बहुत ज्यादा ठेस पहुंचे। समाजवादी पार्टी से हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और आने वाले समय में भाजपा को हराने में हमारी मदद करेंगे। हम लोग समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी दोनों का सम्मान करते हैं। अखिलेश जी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ऐसे में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी और भाजपा को हराने में हमारी पूरी पूरी मदद करेगी। मोदी के हराने के लिए बना इंड अलायंस में सीजफायर लागू हो गया है। कारण साफ है कि सपा के नेता न कांग्रेस के नेता पे हमलावर होंगे, न कांग्रेस के नेता समाजवादी पार्टी के नेता पे हमला करेंगे। बात चिरकुट से निकली थी, बात बाप तक आ गई थी। उसके बाद राहुल गांधी ने पहल किया, राहुल गांधी के पहल के बाद अखिलेश यादव का बयान आया। उन्होंने तस्दीक दिया अपने कार्यकर्ताओं को कि आपको अलायंस पर नहीं बोलना है। वही बात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भी लागू हुआ है। माना जा रहा था कि इंडिया अलायंस में जिस तरीके से रार बनी हुई है, ये इंडिया अलायंस टूट गया है। चाहे हम भोपाल मध्य प्रदेश की चुनाव की बात करें, ये आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव की बात करें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से तलवारें निकली थी, उम्मीद नहीं था कि इतना जल्दी युद्ध विराम होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उत्तर प्रदेश के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।